गोहाना में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने स्थापना दिवस के मौके पर चुनावी बिगुल बजा दिया है। इस दौरान एलएसपी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने रैली कर कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर गोहाना को जिला बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने रेहड़ी लगाने वालों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने एक परिवार एक रोजगार और बेरोजगारी भत्ते के साथ दिव्यांग विधवा पेंशन देने की घोषणा का जिक्र किया। इस दौरान राजकुमार सैनी ने पिछले 5 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में हुए भेदभाव का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि एलएसपी का गठन खुद जनता ने किया था और रैली में आए हुए जनसैलाब ने इसकी हामी भरी। साथ ही सैनी ने कांग्रेस बीएसपी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोहाना की धरती ने हुड्डा को बनाने का काम किया और हुड्डा को उखाड़ फेंकने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को जलाने का काम किया, बीजेपी उन्हीं को गले लगाकर पवित्र करने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान किया। सबका साथ सबका विकास, और कांग्रेस वालों ने कहा कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन हर किसी ने इस कमजोर तबके को मसला। आज भी ये 11% पे कांग्रेस के समय से लेकर के आज भी ये 11% पे ही है, और वो भी क्लास 3 और क्लास 4 में। और हरियाणा प्रांत के अंदर तो 90% लोगों को मसल के रख दिया। 10% लोगों ने अपने 5 मुख्यमंत्रियों की बदौलत 55% के ऊपर कब्जा कर रखा है, और अब सब के सब बीजेपी के रथ के ऊपर सवार हो चुके हैं। अब बीजेपी उस गंगोत्री में उनको डुबकी लगवा करके सब के सब इन गरीबों का हक लुटवाने के लिए आमादा है। बिल्कुल कोई गठबंधन नहीं करेगी, हमारा गठबंधन सिर्फ जनता से। गोहाना को जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम गोहाना को जिला बना करके हजारों बच्चों का रोजगार एक जिले के अंदर बनता है, और वो गोहाना के लोगों को ही हम इसमें मौका देंगे।